नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ यूपी के लोगों को मजबूत सुरक्षा देने के लिहाज से योगी सरकार ने 10 जनवरी से ही बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया था। कोरोना से सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए यूपी में आज बूस्टर डोज का महाअभियान चलाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज लगवा सकें। यूपी में स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि अस्पतालों में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दी गई है। अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। आपको बता दें कि 15 जुलाई से 30 सितंबर तक राज्य प्रिकॉशन डोज अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। आपको ये बता दें कि रात को करीबन 10 बजे तक वैक्सीन और बूस्टर डोज दोनों लगाई जाएगी, जिसके लिए लखनऊ में 59 अतिरिक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। सीजेएम जगन्नाथ ने मत्स्य पालन मंत्री को 10 अगस्त तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। जिम्मेदारी शाहपुर पुलिस को दी गई है। आपको ये बता दें कि मामला 7 जून 2015 का है, जब सरकारी नौकरी में निषादों को 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर सैजनवा क्षेत्र के कसरबल में आंदोलन चल रहा था। आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। इसी बीच विवाद बढ़ा और लाठीचार्ज हो गए। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप लगाया गया है कि पुलिस की गोली से हो गया था। आंदोलनकारी पुलिस से भिड़ गए और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 24 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वही मामले में तत्कालीन सहजनवा थाना अध्यक्ष श्यामलाल ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद समेत कई लोगों के खिलाफ बलवा, आगजनी, तोड़फोड़ समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया था। मामले में नामजद डॉक्टर संजय निषाद ने 21 दिसंबर 2015 को कोर्ट में सरेंडर किया और जेल भेजे गए थे। 14 जनवरी 2016 को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए। ये मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, जिसमें अब गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करने का आदेश भी दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा मामला सामने आया। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मंत्री राकेश सचान कोर्ट से अपनी सजा की फाइल लेकर रफुचक्कर हो गए। मंत्री राकेश सचान के खिलाफ 35 साल पुराना एक मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अवैध हथियार के एक पुराने मामले में शनिवार को उन्हें दोषी करार दिया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें सजा सुनाई जानी थी, लेकिन इससे पहले वो वकील की मदद से सजा के आदेश की ओरिजिनल कॉपी लेकर फरार हो गए। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में उनके खिलाफ एक और रिपोर्ट दर्ज की है। बताया जा रहा है कि वो बिना बेल बॉन्ड भरे ही कोर्ट रूम से फरार हो गए और इसके बाद कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कहा और पेशकार ने कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली में मंत्री के खिलाफ तहरीर दी है। तो दूसरी तरफ नोएडा के सेक्टर 93B ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के मामले में कथित बीजेपी नेता पर शिकंजा कसता जा रहा है। आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके कई ठिकानों पर दबिश दे रही है। आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार चल रहा है। तो वहीं श्रीकांत त्यागी की गाड़ी को जब्त करते हुए पुलिस ने तमाम लोगों के साथ में 4 लोगों को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। उनसे पूछताछ भी चल रही है। दरअसल आरोपी श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें श्रीकांत एक महिला के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की भी करता नजर आया था। वीडियो सामने आने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी को बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। हालांकि आरोपी के बीजेपी नेता होने की बात को बीजेपी ने साफ तौर से डिनाई कर दिया है। आपको बता दें, कल ये वीडियो सामने आया था, जिसमें श्रीकांत अपने आप को बीजेपी का नेता बता रहा था, लेकिन हालांकि महिला के साथ में जो बदसलूकी हुई थी, अभद्रता वो करता नजर आया था। इसके बाद सोसाइटी के तमाम लोगों ने उसका बीच बचाव जरूर किया था।
वहीं गोरखपुर के क्षेत्र के लमटी गांव में घोटाले की जांच करने गई कमेटी के सामने शिकायतकर्ता और पूर्व प्रधान पक्ष के बीच में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट होता देखकर कमेटी बिना जांच किए बैरंग लौटी। उधर दोनों पक्षों ने इस पूरे मामले में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। दरअसल लमटी गांव निवासी रवि तिवारी ने पूर्व प्रधान के घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की थी। जिलाधिकारी ने उस मामले का संज्ञान लेते हुए एक जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी पंचायत भवन पर पहुंचकर अभी जांच शुरू करती नजर आई थी कि शिकायतकर्ता और पूर्व प्रधान आपस में ही गाली गलौज करते हुए गुत्थम गुत्था करने लगे। मारपीट पर उतर आए दोनों पक्षों में मारपीट होता देखकर अधिकारी अपनी डायरी समेट कर वहां से 9:00-2:11 हो गया। गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर आई है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें देखिए कि कितना भीषण उपद्रव हुआ और यहां पर जांच कमेटी पहुंची हुई थी। मामले को सुलझाने का प्रयास हो रहा था लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि इसी मामले को सुलझाने की बात चल रही है। क्या इन तस्वीरों से आप जरा भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किसी भी पैमाने पर या किसी भी स्तर पर बातचीत की भाषा को समझने के लिए तैयार हैं? कुर्सियां चल रही हैं, लात घूसे चल रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने, आपको बता दें कि बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को हरा दिया। इस जीत के बाद अब बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट करते हुए जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। बसपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश के उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ की शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जनहित और अपनी मूवमेंट को ध्यान में रखकर उन्हें अपना समर्थन दिया था। उम्मीद है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाने का भरसक प्रयास जरूर करेंगे। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख ने जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया था। तब उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमति न बन पाने की वजह से इसके लिए फिर से अनंत चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनी है। इस वजह से उपराष्ट्रपति पद के लिए भी 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहे हैं और बसपा उनको समर्थन देती है। एक गाना सावन के महीने में बहुत ज्यादा फेमस है, हर हर शंभू। फरमानी नाज ने गाया है। फरमानी को भले ही कल तक लोग ना जानते हों लेकिन आज उन्हें सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं बल्कि लोग पूरे देश में जानने लगे हैं। मुजफ्फरनगर में रतनपुरी क्षेत्र के मोहम्मदपुर माफी गांव की रहने वाली फरमानी नाज हर हर शंभू गाकर विवादों में घिर गईं। उनका मस्जिद मुस्लिम होकर के हिंदू धर्म का भजन गाना मुस्लिम कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा और उन्हें धमकी भी मिलने लगी। लेकिन धमकियों को दरकिनार करते हुए फरमानी ने अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले अपना नया भजन यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है जिसको खूब पसंद किया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि ये गाना उन कट्टरपंथियों की सोच पर बड़ा तमाचा है जो अपनी सोच से समाज में सिर्फ जहर घोलते हैं। फरमानी नाज ने अपनी दमदार आवाज से नई पहचान बनाई है। यूट्यूब पर फरमानी नाज सिंगर के नाम पर चैनल चल रहा है, वो अपने वीडियोस को वहां पर अपलोड करती हैं। हर हर शंभू विवाद के बाद उन्हें यूट्यूब पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लोगों के मिल रहे प्यार को देखते हुए फरमानी ने अब अपने भाई फरमान के साथ मिलकर एक नया भजन हरे हरे कृष्णा गाया है जिसको खूब पसंद किया जा रहा है। में रणविजय और पराजय का स्वाद चखने के बाद सीख सबक और तैयारी के साथ सभी दलों के लिए अगला लक्ष्य है लोकसभा चुनाव 2024, जिसके लिए सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई अपनी पुरजोर जान झोंक रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष जीत के ग्राफ को जहां विस्तार देना चाहता है तो विपक्ष की कोशिश है कि बार बार हार से धराशायी होने के बावजूद बेहतर तैयारी से अपनी धमक का एहसास कराया जाए। इस क्रम में क्या कहता है विपक्षी समीकरण और सूबे के हालात, समझिए।
देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए अब सबसे बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव 2024 है, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां अभी से जुट गई है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन के साथ आगे के चुनाव के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले कई चुनावी जंगों में उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी है और बीते दिनों सपा गठबंधन बिखरा हुआ भी नजर आया, लेकिन लगता है कि सपा की आगे की रणनीति जीत की है और जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें सपा प्रमुख और सपा विधायक पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल नजर आ रही हैं। कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें काफी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब गठबंधन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। वहीं इससे पहले आजम खान के घर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों में आजम खान और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य साथ दिखाई दिए थे। दरअसल केशव देव मौर्य आजम खान के घर दावत पर पहुंचे थे। इस दौरान केशव देव मौर्य के सुर बदले बदले हुए भी नजर आए थे। उस वक्त केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव का बचाव करते हुए शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को निशाने में लिया था। उन्होंने राजभर पर कहा था कि उनकी डोर बीजेपी और आरएसएस के हाथों में है। इससे पहले आजम खान ने गठबंधन के नाराज दलों से बात करने की बात कही थी। फिलहाल अब तक के जो भी हालात सपा के लिए रहे हों, अखिलेश यादव ने चाहे अपनों से ही नाता क्यों न तोड़ा हो, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरह से अखिलेश पार्टी को फिर से मजबूत करने को लेकर बेहद सजग नजर आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद अखिलेश फिर से नया गुलदस्ता तैयार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पहला गुलदस्ता पूरी तरह से बिखर गया, अगर नया गुलदस्ता बन भी गया तो क्या उसका ख्याल अखिलेश अच्छे तरीके से रख पाएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव में जीत तय करने के लिए उनका सिर्फ एक ये सियासी दाव होगा, और क्या नया गुलदस्ता लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित कर पाएगा, क्योंकि पिछले कई चुनाव उनके लिए सिर्फ हार ही लेकर आए थे। सवाल कई हैं और इन सब सवालों का जवाब सिर्फ आने वाला लोकसभा चुनाव ही बता पाएगा। जनता टीवी के लिए डेस्क से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए तय की गई 16 बीघा जमीन का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि चाय बागान की जमीन बेचने और खरीदने पर पूरी तरीके से रोक होने के बावजूद बीजेपी के नेताओं ने 2011 में ये जमीन खरीदी और उसके बाद सरकार में काबिज होने के बाद अब इसका नक्शा भी पास करवा लिया गया है, जो सवाल खड़े करता है कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर नियम के खिलाफ काम कर रही है। करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन पर पहले रजिस्ट्री होना और उसके बाद अधिकारियों की टिप्पणी के बाद भी नक्शा पास हो जाना, ये बता रहा है कि बीजेपी के नेता अधिकारियों पर किस तरह से दबाव बनाकर अपना कार्यालय बनवाने का काम कर रहे हैं। देहरादून में इस समय 5000 बीघा से 5000, इस समय 350 पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो मेरी स्पष्ट जानकारी है, ऐसी भूमि जिस पे इस तरीके के काम हो सकते हैं उसकी जो संख्या है वो 5000 बीघा से ज्यादा है। उत्तराखंड सरकार कर्मचारियों और अफसरशाही के बीच बेहतर तालमेल बनाने को लेकर लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इसका नतीजा धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बेहतर तालमेल नहीं होने के चलते कर्मचारी संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का आरोप है कि अफसरशाही सिस्टम पूरी तरीके से हावी हो चुका है और कर्मचारियों का शोषण भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि एक एक अधिकारी अपनी सेवा के लिए कई पीआरडी जवान और अनेकों गाड़ियों का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए करता है और अपने रुतबे के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, जिससे प्रदेश के खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। अधिकारी अपने घरों पर जो है तीन तीन पीआरडी के लोग सरकारी खर्चे पे लिए हुए हैं, एक एक गाड़ी 10-10 गाड़ियां एक अधिकारी घर में घूम रही है, उस खर्चे पे कटौती करने के बजाय अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि होटलों में कोई भी नहीं की गई, ऐसी कोई योजनाएं कारगर होनी चाहिए, ऐसे धरातल पे कोई योजनाएं होनी चाहिए जो जिससे अनावश्यक खर्चों पर विराम लगे। ऐसा नहीं कि केवल राजस्व का केवल राजस्व प्राप्ति का केवल जरिया कर्मचारियों के पेंशन और वेतन ही तक ही सीमित अधिकारी रह गए। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सचिव मुख्यमंत्री से कहा है
कि आप अपने सचिव गणों को ये डायरेक्शन जारी करें कि वो अपने अपने विभागों में पोटेंशियल तय करें, अपने अपने विभागों में राजस्व वृद्धि के लिए वो प्रयास करें, आंकड़े जुटाए। ये नहीं कि कर्मचारी और पेंशनर्स की तनख्वाह और पेंशन को लेकर ही केवल वो राजस्व के डाटे इकट्ठा करते रहे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मंत्रालय के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 7,50,000 तिरंगा झंडा बांटने का लक्ष्य दिया है और अफसरों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। विधानसभा के कार्यालय में हुई बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पीएम मोदी ने देश भर में तिरंगा झंडा फहराने को कहा है और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे देश में उत्साह है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव उत्तराखंड में भी धूमधाम के साथ उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। आगे कहा कि इस उत्सव के जरिए हमें आजादी का जश्न मनाने का ऐसा पहली बार मौका मिल रहा है। मेरे पूरे प्रदेश के अंदर तिरंगा हर घर में लगे, उसमें हमारे जो मंत्रालय है उसके विभागों का भी योगदान होना चाहिए और मुझे खुशी इस बात की कि मेरे सभी विभागों की तरफ से पूरे प्रदेश भर में 7.5 लाख झंडे यानी तिरंगे, 7.5 लाख तिरंगा उसको हम लगाने का काम करेंगे। और मैं सभी से आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि ये 13, 14, 15 तारीख को अपने घर पे तिरंगा जरूर लगाएं। उन रणगाथाओं को, उन हमारे देश के मर मिटने वाले लोगों को ये उनको श्रद्धांजलि देने का भी दिन होना चाहिए, सबको प्रणाम भी हमें करना है तिरंगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।